सो व्हाट इज अप गाइस एंड माय नेम इज जेड। तो आज की वीडियो में मैं तुम लोगों को मैस्कॉट के बारे में फुल्ली डिस्क्राइब करूंगा और इसी के साथ साथ बता देता हूं कि भाई मैंने एक सीरीज स्टार्ट किया जिस सीरीज़ का नाम है मैस्कॉट क्रिएशन और इस सीरीज़ का ये पहला एपिसोड है। तो इस एपिसोड में मैं तुम लोगों को मैस्कॉट्स के बेसिक्स मतलब आउटलाइन कैसे ड्रॉ करते हैं, कैसे मतलब तुम एंड्रॉयड में ही ड्रॉ कर सकते हो, ये सारा कुछ मैं तुम लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा। तो इस वीडियो का सारा क्रेडिट जाता है भाई नोवा को। नोवा बहुत ही ओपी मैस्कॉट बनाता है, तो नोवा ने ही भाई आउटलाइन ड्रॉ करके दिखाया है। और अगर तुम्हें कलर फिल देखना मतलब सीखना है तो भाई जाओ जाके नोवा के चैनल में तुम देख सकते हो। इस सीरीज़ का सेकेंड एपिसोड तुम्हें नोवा के चैनल में मिल जाएगा और उसके चैनल के लिंक भाई तुम्हें डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर मिल जाएगी और उसके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और अगर उसके चैनल को भाई अच्छा लग गया तो भाई गरीब को मत बोलना, गरीब क्योंकि चैनल को भी सब्सक्राइब करके जाना। और अगर तुम्हें मेरे साथ ज़्यादा बात करनी है और अगर मेरे साथ कुछ सवाल पूछना है, कुछ अगर ग्राफिक्स में तुम्हें मदद चाहिए तो जाओ जाके मेरे डिस्कॉर्ड सर्वर में ज्वाइन हो जाओ, नीचे डिस्क्रिप्शन में तुम्हें लिंक मिल जाएगी और जाके ज्वाइन हो जाना। बस इतना ही, अभी डिस्कॉर्ड में शायद 25 मेंबर्स है तो मैं बहुत लोगों पे ध्यान दे पाता हूँ और दिन में मैं अक्सर ही ऑनलाइन रहता हूँ। तो बात करते हैं इस एपिसोड की, तो चलो आज का एपिसोड आरंभ करते हैं। सो गाइस, इस मैस्कॉट को बनाने के लिए मैं IBIS पेंट इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो मैंने इस ऐप को ओपन कर लिया। अब यहाँ से एक ब्रश चॉइस करते हैं और इस ब्रश के सेटिंग्स में छेद छाड़ कर लेते हैं। अगर तुम्हें इस टाइप के मैस्कॉट बनाना है तो भाई ये वाली सेटिंग कॉपी कर लेना, और अगर तुम्हें भाई दूसरे सेटिंग में कम्फर्ट लगता है तो जाओ उस सेटिंग में ही करो, कुछ मतलब जोर नहीं है कि बस इस सेटिंग में ही करना है। तो सेटिंग पहले बना लेते हैं। तो भाई सेटिंग कंप्लीट हो चुकी है और सेटिंग कंप्लीट होने के बाद भाई हमने पहले ही पेन टूल इनेबल कर रखा है। तो अगर तुम्हें पेन टूल के बारे में नहीं पता और तो भाई क्या पता है, तो पेन टूल पहले ही इनेबल कर चुके हैं। तो यहाँ से पेन टूल इनेबल करने से क्या होता है, पेन टूल इनेबल करने से भाई यहाँ से जो तुम लोग ब्रश इस्तेमाल करते हो उस ब्रश में मतलब डॉट्स आ जाते हैं जिससे तुम उस ब्रश की डायरेक्शन नियंत्रण कर सकते हो। तो भाई इस वाले वीडियो में भाई मैंने फुल्ली वॉइस ओवर किया है, तो लोग बोल रहे थे कि भाई तू वॉइस ओवर नहीं करता, तो मैंने वॉइस ओवर किया। तो तुम्हें अब पता चलेगा कि मैंने वॉइस ओवर क्यों नहीं करता, क्योंकि मेरे बंगाली ग्रामर में हिंदी इतनी बुरी है तुम समझ नहीं पाओगे। तो यहाँ पर मैं ब्रश टूल का इस्तेमाल करके पूरा मतलब मैस्कॉट का आउटलाइन ड्रॉ कर रहा हूँ। ब्रश टूल और इरेज टूल का इस्तेमाल कर करके मैं ये सब कर रहा हूँ, तो तुम भी ऐसे करते रहो। तो इस वाले वीडियो में मैं ज़्यादा बात तो नहीं करूँगा, जस्ट मेन समय में तुम लोगों को बताऊँगा क्योंकि भाई इसने मतलब नोवा ने बनाया ना, तो मैंने नहीं बनाया। तो इससे क्या है कि मैं जस्ट वॉइस रिवील कर रहा हूँ, तो मुझे पता नहीं है कि आगे क्या होगा। तो मैं फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ, अभी आदत नहीं है मुझे इसे वॉइस रिवील करने की। सो इरेज टूल का इस्तेमाल करके और पेन टूल का इस्तेमाल करके बहुत ही इजीली हम इस सारे इफेक्ट दे पा रहे, फिनिशिंग बहुत ही ओपी हो रहा है जो इंटरनेट डिज़ाइन में नहीं हो पाता। और इंटरनेट डिज़ाइन की एक और बुरी बात यह कि भाई बात बात में बेटा हैंग होने लगता है, मतलब कुछ कर रहे आधा घंटे से फिर क्या हुआ, फिर अचानक बमबारी हुई या कुछ या ऐसा कुछ हुआ मुझे पता नहीं भाई, अचानक से अपना इंटरनेट डिज़ाइन रुक गया और जब रीओपन किया तब पूरा माहौल 164 मतलब पूरा फटके से हाथ में आ गया, पूरा आधा घंटे की मेहनत एक बार में चली गई। तो बात चोरो, अगर तुम्हें भाई मैस्कॉट में प्रोफेशनल होना है तो भाई मैं बोलूँगा कि भाई ये वाला ऐप इस्तेमाल करके देखो एक बार, बहुत ही ओपी है। और भाई एनिमे लवर्स के लिए भी बोल रहा हूँ, भाई एनिमे बनाने के लिए मेन ऐप भाई इस्तेमाल करते, बहुत सारे यूट्यूबर्स इस्तेमाल करते हैं एनिमेज बनाने के लिए, या जो मांगा मतलब बनाते हैं नए वाले, तो भाई जो एंड्रॉयड में मांगा बनाते तो भाई वो इस ऐप का इस्तेमाल करते बहुत ही ज़्यादा। तो अब ये मत बोलना कि भाई माइनो तू इस ऐप को प्रमोट कर रहा है, मैं कुछ प्रमोट वोट नहीं कर रहा हूँ, मैं जस्ट इस ऐप की खूबियाँ बता रहा हूँ। तुम लोग मतलब क्या इस ऐप को यूज़ करते करते भाई इसके फ़ैन हो ही जाओगे जैसे मैं हो चुका हूँ।
और नोवा को तो भाई इस ऐप के लिए पागल है, क्या बताऊँ। उसने पीसी बिल्ड किया फिर भी इस ऐप में काम कर रहा है, क्या बताऊँ भाई। तो ऐसे ही भाई हम पूरा आउटलाइन कर लेते हैं, फिर आउटलाइन करने के बाद बाकी मैं तुम लोगों को समझा दूँगा। Empty hearts and neon lights, they're playing with my mind. Gotta get out of here tonight. Oh, I wanna run off and fly. And I'll tell myself it's fine to be alone, just to find somewhere that finally feels like home. Oh, oh, oh. I hate all this. Stop wasting time. Yeah, I wanna run off and fly. And I'll tell myself it's fine to be alone, just to find somewhere that finally feels like home. Oh, oh, oh. I hate all this overthinking. Oh, 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 oh. Empty hearts and neon lights, they're playing with my mind. Gotta get out of here tonight. Oh, I wanna run off and fly. And I'll tell myself it's fine to be alone, just to find somewhere that finally feels like home. Oh, oh, oh. I hate all this.
thinking, oh, 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 oh. The more I swim, the more I'm singing. तो गाइस अभी मैं तुम लोगों को शैडोज कैसे ऐड करते हैं मैस्कॉट में ये दिखाने वाला हूँ, तो ज़रा गौर से देखना। तो क्या करूँगा मैं, पहले कहा शैडोज कैसे ऐड करते हैं दिमाग में आइडिया बना लूँगा। अब मुझे शैडोज ऐड करना है पीछे के साइड, मार्क्स के पीछे से साइड, मतलब मार्क्स के सामने से लाइट है और पीछे के साइड में शैडोज क्रिएट हो रही है। तो क्या करते हैं, फिल ऑप्शन में जाके सब कुछ फिल कर लेते हैं, ठीक है। और फिल करने के बाद हम सिलेक्ट कर लेते हैं अच्छी तरह से, सिलेक्ट कर लेते हैं मतलब जो जो हमने फिल किया था उसे एक सिलेक्ट कर लेते हैं, मतलब एक रेड ट्रायंगल शेप से में फिल जो किया था उसे सिलेक्ट कर लेते हैं। और सिलेक्ट करने के बाद हम क्या करेंगे, हम इसकी ऑपेसिटी कम कर देंगे। तो ऑपेसिटी कम हो चुकी है, अभी इरेज टूल का इस्तेमाल करके हम शैडोज ऐड करेंगे। तो पहले क्या करते हैं, पहले दो लाइनें खींचते हैं, ठीक है, दोनों साइड में, तो जिससे एक मतलब अच्छा सा इफेक्ट आएगा। अब क्या इफेक्ट आएगा वो तुम्हें बाद में पता चलेगा, ठीक है, अभी सब बता देंगे तो सस्पेंस क्या रहेगा भैया, ठीक है, समझ रहे हो। और भाई 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 बात यही है कि भाई तुम्हें अगर कुछ भी पूछना है मेरे से ना, अगर तुम्हें कुछ भी दिक्कत आती है ग्राफिक्स में, तो जाओ भाई मेरे डिस्कॉर्ड में जल्दी से जाना भाई, डिस्कॉर्ड में हमेशा मैं हेल्प के लिए रेडी रहता हूँ, पैसे नहीं लेता, ठीक है, हेल्प के फ्री में करता हूँ, क्योंकि मुझे मज़ा आता है भाई हेल्प करने में, और कुछ नहीं। अगर तुम डिज़ाइनर बनना चाहते हो तो भाई आ जाना कभी भी हेल्प, कुछ भी हेल्प। अगर एंड्रॉयड में हो तो भाई पीसी में ज़्यादा चलाता और मुझे ज़्यादा आता भी नहीं। सो गाइस लाइनिंग कंप्लीट हो चुकी है सब, और लाइनिंग कंप्लीट होने के बाद हम फिर से इरेज टूल का इस्तेमाल करके शैडो सेट करेंगे। अब कैसे करेंगे ये तुम देख लो। और गाइस ये सारे शैडोज ऐड करने के बाद हम क्या करेंगे, ये जो शैडोज की हमने ऑपेसिटी कम की थी इसकी सब की ऑपेसिटी बढ़ा देंगे फिर से, और एकदम मस्त हो जाएगा सब कुछ। और ऐसे करके हम अपने मैस्कॉट में हर एक जगह शैडोज ऐड कर लेंगे, फिल करेंगे मैस्कॉट को, मतलब मैस्कॉट्स के एरियाज़ को फिल करेंगे। और उसके बाद इरेज टूल का इस्तेमाल करके ऑपेसिटी कम करके, ऑपेसिटी कम करके फिर शैडोज ऐड करेंगे। Empty hearts and neon lights, they're playing with my mind. Gotta get out of here tonight. Oh, I wanna run off and fly. And I'll tell myself it's fine to be alone.
and starting fights, turning truth to lies. Gotta get up, stop wasting time. Yeah, I wanna run off and fly. And I'll tell myself it's fine to be alone. Just to find somewhere that finally feels like home. Oh, oh, oh. I hate all this overthinking. Oh, 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 oh. The more I swim, the more I'm sinking. गाइज़र अभी मैं मैस्कॉट के फिनिशिंग पार्ट के ऊपर काम कर रहा हूँ, तो यहाँ पर फिनिशिंग पार्ट में मैं आखिर के कुछ शैडोज ऐड कर रहा हूँ। मैंने थोड़ा इमेज कट कर दिया है क्योंकि अगर पूरा दिखाता तो एक घंटे का हो जाता, तो हेयर भी मैंने फिल कर लिया, सब कुछ शैडोज ऐड हो चुका है। तो ऐसे भाई तुम मैस्कॉट के आउटलाइन ड्रॉ कर सकते हो, बहुत ही ईजी होता है भाई आउटलाइन ड्रॉ करना, इतना कुछ हार्ड नहीं है, जस्ट तुम्हें थोड़ा सेंस चाहिए होता है। सो गाइज तुम लोगों ने देखा कुछ सिंपल टिप्स की मदद से जस्ट हम इरेज और ब्रश
टूल की मदद से बहुत ही इजीली हर चीज़ कर सकते हैं, शैडोज ऐड कर सकते हैं, मैस्कॉट की आउटलाइन पूरा परफेक्टली कर सकते हैं, कुछ भी दिक्कत नहीं होगी भाई। और अगर तुम्हें इस वीडियो के देखकर कुछ भी इन्फॉर्मेशन मिला, कुछ भी सीखने को मिला ना, तो भाई इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और नोवा के चैनल को भी भाई ज़रूर चेकआउट करना, भाई बहुत ही ओपी काम करता है लौंडा, उसके चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। और हाँ भाई, इस मतलब एपिसोड का सेकंड पार्ट भाई नोवा के चैनल पर अपलोड हो जाएगा, तो जाओ जाके देख लेना। नोवा तुम्हें बताएगा कैसे तुम कलर फिल कर सकते हो मैस्कॉट में, और बहुत ही भाई ओपी कलर फिल किया है उसने, मैंने देखा है। अभी तुम लोगों को दिखाऊंगा नहीं क्योंकि सस्पेंस रखते, क्या पता व्यूज़ आ जाए। तो चलो मैं मिलता हूँ माइनो दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए माइनो इज आउट। Oh my gosh.